नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन, मैं दीपिका जांगिर आपके साथ। जिला अस्पताल में जांच कराने आए मरीजों की पहले की जा रही है आरटीपीसीआर जांच, उसके बाद ओपीडी में चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की जा रही है। एक मरीज ने आरटीपीसीआर कराने से इनकार कर दिया, बिना उपचार करवा कर ही जिला अस्पताल से वो वापस लौटा है। उन्होंने कहा, मुझे कोविड नहीं हुआ है, क्यों जाँच करवाऊँ। बच्चे तक ओपीडी में आए हुए हैं इलाज कराने, वह भी आरटीपीसीआर की जांच आगे रहकर परेशान करवा रही है, लेकिन एक व्यक्ति ने जांच करवाने से साफ इनकार कर दिया है और दबंगई दिखाता चला गया। अस्पताल से बेरंग वापस बिना और इनके लौटा गया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे जांच नहीं करवानी है। इस मामले पर उसने बोला कि मैं तो सिर्फ जांच करवाने और उपचार के लिए आया हूं, ना कि कोविड-19 की जांच कराने के लिए। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को एक बार फिर से रिमांड पर भेजा गया है। दोनों आरोपियों को आज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही 20 सितम्बर तक दोनों आरोपियों को रिमांड पर एसओजी को सौंपा गया है। पॉक्सो कोर्ट के तहत मामले में सुनवाई हुई है। जज रेखा शर्मा ने रिमांड के आदेश दिए हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता फारूक अलवी ने पैरवी की। अधिवक्ता फारूक अलवी ने कहा कि इस मामले में अब आरोपियों को रिमांड पर नहीं दिया जाना चाहिए। एसओजी ने जांच के लिए कोर्ट से मांगा था रिमांड, तो वहीं इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। अब 3 दिन की रिमांड एसओजी आरोपियों से पूछताछ करेगी। पिछले दिनों आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के अश्लील वीडियो वायरल हुए थे और इन दोनों ने अश्लीलता में बच्चे को भी शामिल किया था। उदयपुर राजसमंद जिले के बॉर्डर पर गुरुवार देर रात को बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। कार सवार दंपति सहित एक अन्य महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते दोनों का यातायात एक ही लेन से चल रहा था। नाथद्वारा से उदयपुर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया था और इसी दौरान उदयपुर की तरफ से आ रहे 2 ट्रक, 2 कार और 1 बाइक नाथद्वारा की ओर से जा रही डंपर व कार से भिड़ गए। हादसे में कुल 7 वाहनों की भिड़ंत हुई। पुलिस ने बताया कि उपली ओडन निवासी अंबाबाई 55 वर्षीय पत्नी गणेशलाल कुम्हार कांकरोली, शिव कॉलोनी निवासी नोजीबाई 60 वर्षीय गाडरी पत्नी मांगीलाल गाडरी और मांगीलाल गाडरी 61 वर्षीय पुत्र कचोड़ गाडरी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। नागौर जिले के गोचन कस्बे में बुधवार शाम एक महिला टीचर के घर से चोरों ने 90 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने घर से 42 लाख रुपए कैश और 99 तोला सोना उड़ाया है। खास बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट में चोरों ने लोहे के 3 क्विंटल वजनी तिजोरी में से यह रकम निकाली और घटना के दौरान महिला टीचर अपनी बेटी के साथ घर के पीछे खाली प्लॉट पर वॉक कर रही थी, जबकि एक बेटा व बहू SI का एग्जाम देने के लिए गए हुए थे। महिला के पति लेक्चरर थे। 1 साल पहले कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। घर में रखे हुए रुपए उनकी सर्विस स्कीम के मिले थे। कुछ दिनों में परिवार प्लॉट लेने वाला था, उसका पेमेंट कैश करना था, इसलिए बैंक से ये रुपए निकाल कर घर में रखे थे। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोर कमरे की खिड़की से घर के अंदर घुस गए। चोर ने अलमारी में से चाबी निकाल कर तिजोरी खोली। महज 45 मिनट में ही अंदर रखे 42 लाख रुपए कैश और 99 तोला सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।